हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने जो फिश मंगाई थी उसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कोची से मालेगांव तक आ गई। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है गाइस, और इसको फिश को आने में कम 6 दिन लगे हैं। तो देखते हैं फिश के अंदर हालत क्या होंगी। मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोर्टेलिटी हो सकती है, होंगी नहीं बोल रहा, हो सकती है। और मुझे इनके फिश पैकिंग करने का तरीका भी पसंद आया। ऊपर से इन्होंने पॉलीथीन लगाई थी जो फुल एयर टाइट थी, और ऊपर से इन्होंने टेक्सो टेप भी लगाया है। अंदर खोलने के बाद पेपर दिखते हैं, और जब हम पेपर को हटाते हैं तो पेपर हटाने के बाद हमें और एक पॉलीथीन दिखेंगी, जिसको निकाला। और उसके अंदर भी गप्पी फिश के अलग पॉलीथीन थे, जिसके मैंने 5 पीस मंगाए थे, जिसके अंदर 3 मेल्स और 2 फीमेल्स थी, क्योंकि मेरे पास फीमेल्स एक्स्ट्रा है, इसके वजह से मैंने मेल ज़्यादा मंगाए। तो चलो इन्हें खोलते हैं। तो ये फर्स्ट वन देखेंगे। हाँ, मॉर्टेलिटी नहीं हुई है, ये फर्स्ट मेल है। इसे रखते हैं हम पानी में। सेकेंड वन निकालेंगे, सेकेंड वन इज फीमेल। हाँ, ये भी जिंदा है। तो जब मैंने चेक किया तो सारी की सारी जिंदा थी, पर डर लगता है गाइस, क्योंकि ये मैंने समझ के चलो सेकेंड टाइम मंगाए। बाकी सेकेंड टाइम बहुत लेट हुआ, पिछली बार सिर्फ 4 दिन लगे थे, इस बार 6 दिन लग गए थे, इसकी वजह से मैं डरा हुआ था। तो आप देखते हैं, ये भी फीमेल है, ये भी हेल्दी है। और जो ये आप पॉट के अंदर पानी देख रहे हो ना, ये पानी मैंने पिछले जब ऑर्डर किया था उस दिन से पानी इस बकेट में ही रखा है। तो इस बकेट में को नया पानी नहीं डाला है, पुराना ही पानी है। और ये भी और एक मेल, ये हिल नहीं रहा है गाइस। एक ही मेल था वो ज़्यादा एक्टिव है, बाकी के मेल इतने एक्टिव नहीं थे। और ये और एक मेल, हमारे 3 मेल आ चुके हैं और 2 फीमेल, टोटल 5 गप्पीज है। चलो इन्हें एक्लिमेट करने देते हैं। एक्लिमेट पानी के अंदर रखने से इनका जो टेम्परेचर है वो मैच हो जाता है दोनों पानी का, जिसके बाद हम फिश को पानी के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तब तक हम इसके अंदर कुछ डालेंगे, डीक्लोरीन। इसके अंदर क्लोरीन तो नहीं होगा, पर एक मन की शांति के लिए हम डाल रहे हैं। उसके बाद में हमारी फिश इतने लॉन्ग टूर से ट्रैवल करके आई है, इसके लिए हम क्योर में डालेंगे। ब्लू लिक्विड है, ये ब्लू लिक्विड आपके फिश को नया पानी अडेप्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ का पानी और केरला का पानी बहुत सारा फर्क होता है, उसका पीएच ऊपर नीचे होता है। तो इसकी वजह से हम सेफ्टी के लिए ब्लू लिक्विड डाल रहे हैं। तो हमें ब्लू लिक्विड पूरा का पूरा पानी में पूरा फैला दिया है। अब ये फैलाने के बाद इसे हम थोड़ा सा हाथों से हिलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिला रहा हूँ मैं गाइस, क्योंकि उसके अंदर फिश है तो उसकी भी हमें केयर लेनी है। तो ये आप फिश की क्वालिटी चेक करेंगे, और जैसे आप देख सकते हो सारी की सारी फिश हेल्दी है, घूम रही है। पर अब अगर इस पर्टिकुलर फिश को देखेंगे तो इसकी फिन कटी है पीछे से, फिर भी मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा, तो भी देखते हैं कैसा है क्या। और सच बात बोलूँ गाइस, तो मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जितने मैंने पैसे दिए मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे गप्पी तो हमारे लोकल पेट शॉप में भी मिल जाते हैं। मुझे लगा था कि कुछ अलग चीज़ आएंगी, कुछ एक्सीलेंट चीज़ आएंगी, पर वही चीज़ आ गई जो यहाँ लोकली मिलती है। यहाँ लोकली 60-70 रुपीज़ में मिलती है, और मैंने इसके लिए अब मुझे पछता हो रहा है मैंने 200 में खरीदी। चलो ठीक है भाई, जान दो, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।